नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में रहने वाले सभी प्रवासियों के लिए एक बहुत ही आवश्यक सूचना है। वहां की एक एक्सचेंज बैंक के लाइसेंस को सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने रद्द कर दिया है। इस एक्सचेंज के संचालन में कुछ खामियां मिली थी, कुछ अनियमितताएं मिली थी, कुछ शिकायत मिली थी। इसको देखते हुए एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है कि इस एक्सचेंज के लाइसेंस को सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने रद्द कर दिया है। और यदि आप यूनाइटेड एक्सचेंज LCC से पैसे भेजना चाहते हैं या फिर भेजने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस एक्सचेंज का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पैसे आपके देश आपके घर के अकाउंट में ना पहुंचे। किसी और लाइसेंस वाले एक्सचेंज का इस्तेमाल करिए ताकि आपका जो महीने की पूरी गाढ़ी कमाई है सुरक्षित आपके देश आपके अपनों के पास पहुंच जाए। अलबुस्ता में रहने वाले नागरिकों और प्रवासियों के पीने के पानी का इंतजाम करती है इस समय ओमान वाटर एंड वेस्ट वाटर सर्विसेज कंपनी, और इसके लिए नए नए प्रोजेक्ट नए नए परियोजनाओं को लाया जा रहा है ताकि लोगों के पानी की जो ज़रूरतें हैं उसको कंप्लीट किया जा सके। और 2 करोड़ ओमानी रियाल की लागत से एक नई परियोजना शुरू हो रही है, डुकुम हेमा जल परियोजना, जिसकी मदद से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो साफ पानी है वो उन तक पहुंचाया जाएगा और उनके क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। कुरुम के इलाके में बुधवार की सुबह अचानक से बिजली गायब हो गई। जी हाँ, मेंटेनेंस के काम की वजह से जो बिजली है वो दोपहर तक इस इलाके में बाधित रही, और इसका असर जो कंपनियां हैं जो घर हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल हैं या फिर कार्यालयों में सीधा सीधा देखने को पड़ा। हालांकि मस्कट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने इस गड़बड़ी को ठीक कर लिया है और दोपहर 12:30 बजे के बाद जो बिजली है इस इलाके में बहाल कर दी गई है और तभी सभी ऑफिसेज में जो काम है वो सुचारू रूप से शुरू हो पाया। CDA ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि रूब अल खली सीमा के पास जो चेक पॉइंट है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की ये जो चेक पॉइंट है वो बंद थी, लेकिन जैसे ही ये रोड ओपन हुआ है यहाँ पर लोगों के सुरक्षा को देखते हुए इस चेक पॉइंट को स्टार्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होने पर जो अग्निशामक टीम है या फिर बचाव दल है वो लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच कर उनकी सेवा कर सके, उनके जान को बचा सके। देखिए, सल्तनत ऑफ ओमान और सऊदी अरब के संयुक्त मंजूरी से जो 725 किलोमीटर का जो हाईवे है इसको ओपन कर दिया गया है, और इस नए राजमार्ग को खुलने से ओमान के जो बाजार हैं उसको बहुत बड़ा यहाँ पे निर्यात का एक साधन मिलेगा। देखिए, ओमान के जो स्थानीय उत्पाद हैं उसको बाहर ले जाने के लिए ये जो रूट है वो बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे एक छोटे बाजार की तरह से मंडियाँ लगती हैं जो कि स्थानीय प्रोडक्ट को यहां पे बेचने का काम करती हैं, और इस सड़क के खुलने से जो आने जाने वाले लोग हैं वो यहां से खरीदारी कर सकेंगे और इससे ओमान की अर्थव्यवस्था और खासकर इन इलाकों में रहने वाले जो दुकानदार हैं व्यवसायी हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। देखिए, ओमान में जब से जो ओमान टेल हो या फिर जो भी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जो कि ओमान में सर्विसेज दे रही हैं तो उन लोगों के जो स्पीड है खासकर 4G की स्पीड इतनी अच्छी है कि लगभग 50% से ज़्यादा जो लोग हैं इंटरनेट का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए करते हैं और लगभग 37% लोग इसको बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर तरीके से काम करते हों, चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग या फिर किसी प्रकार की ऑनलाइन सामान के परचेज में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और हाल ही में जो यहाँ पे 5G का भी ट्रायल शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी ओमान में 5G की जो सुविधा है वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। ओमिक्रॉन लगातार अलग अलग देशों में धीरे धीरे पनप रहा है और इसका ताज़ा अभी एक मामला सामने आया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहला ओमिक्रॉन वायरस के जो मरीज हैं वो मिल चुके हैं। 65 वर्षीय महिला जो कि विदेश से यात्रा करते हुए पाकिस्तान पहुंची है, इसके अंदर ओमिक्रॉन के जो संक्रमण के लक्षण दिखे हैं और इसको क्वारंटीन कर दिया गया है। विश्व के लगभग 57 कंट्रीज में ओमिक्रॉन वायरस पाया जा चुका है। भारत में भी लगभग 25 मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत के सभी एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो हाई रिस्क कंट्री से आने वाले यात्री हैं उनको भारत पहुंचने के बाद RT-PCR टेस्ट फिर से कंडक्ट करवाया जा रहा है। यदि ओमिक्रॉन वायरस मिलने की पुष्टि होती है तो उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन और उसके बाद फिर से 14 दिनों का होम क्वारंटीन रखकर उनके ऊपर निगरानी की जा रही है। हालांकि ओमान में अभी तक कोई भी ओमिक्रॉन का वायरस सामने नहीं आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है खास करके प्रवासियों के लिए, क्योंकि इस ओमिक्रॉन
के खतरे को लेकर एक डर का माहौल बना हुआ है कि जिन व्यक्तियों ने ओमान या फिर विदेश जाने के लिए इंटरव्यू दिए हैं या फिर उनके वीजा इशू होने वाले हैं, तो ऐसे में ये डर बना हुआ है कि कहीं ओमिक्रोन की वजह से फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, कहीं होते होते जो काम फिर से रुक न। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 23 नए कोविड मामले सामने आए हैं। लगातार कोविड के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले महीने लगभग 5-10 के करीब जो औसत मरीज मिल रहे थे, लेकिन कल 19 और आज 23 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है और मृत्यु दर में ये जो गिरावट देखी जा रही है, इसके पीछे सीधा सीधा जो सबसे बड़ा वजह है कि लोग वैक्सीनेशन को अपना रहे हैं। ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और इसके वजह से जो मृत्यु दर में कमी आ रही है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या 304,654 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है। देखिए, ओमान में इस समय कुल हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या 4 है, जिनमें से 2 लोग आईसीयू में एडमिट।